अपन अच्छे बंदे यार अपन। कैसा लग रहा है गोवा बेबी? हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोशन डिसोजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी जो है हम फाइनली हमारे रूम पे आके पहुंच चुके हैं, फ्रेश वगैरह हुए तीनों लोग, और रूम में आपको बाद में कल सुबह टूर करवा दूंगा। तो अभी हम कहीं निकल रहे हैं तो उसका ब्लॉग करने के लिए मैंने ब्लॉग शुरू किया है। तो ये हमारा गोवा में पहला दिन होगा और यहाँ पे हम 4 नाइट और 3 दिन, राइट? ऐसा है ना, तो ऐसा कुछ है, 4 दिन 3 रात, तो ऐसा कुछ है। तो हम यहाँ पे स्टे करेंगे तो उसका सारा जो ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसा कुछ हमारा दिख रहा है, रूम देख सकते हो। तो अभी चलते हैं, कहाँ पे जाना है? अब जाना है अपन अच्छे बंदे यार, अपन हुक्का वगैरह नहीं करते यार। चलो चलो भाई। नहीं भाई, मैं नहीं करता। यहाँ पे वाइब्स आप देख सकते हो, बहुत तगड़े हैं यार, आप देख सकते हो, फुल नेचर वाइब्स। ये वाइड एंगल से आप देख सकते हो। चलो यहाँ से अभी हम चलते हैं। पहले हमें जो है हमारा बेसिक स्टफ लेना है, लाइक कोलगेट हो गया, ब्रश हो गया और शैम्पू वगैरह। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे कोई अगर दुकान रहेगी तो हम वहाँ पर जाएंगे। और मेरे बाल को इग्नोर करना, मैंने ड्राई नहीं किया है, इन सभी लोगों ने ड्राई करके आए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। तो अभी हम ऑफिशियली गोवा के सड़कों पे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। मतलब बहुत सारे से प्लेसेस है गोवा में जो कि हमें एक्सप्लोर करने हैं, मगर पता नहीं 4-5 दिन में कितना कर पाएंगे। और जो भी रहता है हम वीडियो में कैप्चर करते रहेंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि यार कोई स्टोर वगैरह अगर, मतलब यू नो, सामान लेने के लिए कुछ मिलता है तो सही रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हो हीरोज फुल सेट होके बाहर आए हैं। और ये क्या है भाई? ये गोवा का गोल्ड फिंच लगता है। चलो फाइनली यहाँ पे हमें जो है टूथपेस्ट भी मिला और ब्रश भी मिला। तो अभी सीधा चलते हैं रूम में। और अभी हमारा प्लान बना है कि हमें जाने बीच के लिए पहले ही दिन। अभी आके सिर्फ 1-2 घंटा भी नहीं हुआ और पहला भी अंजुना बीच है ना प्रतीक? अंजुना बीच है, तो वहाँ पे चलेंगे, देखते हैं। अंजुना बीच सत्य ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मिनी बार भी रहता है, यहाँ हमारा रूम वो रहा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मिनी बार भी है, तो यहाँ पे ओनर भी है, तो आप चाहिए तो कभी आके यहाँ पे ट्राई भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा खासा सिंगिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारे भाई भी है। यहाँ पे हमारे साहिल भाई भी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं वो भोसड़ी वाला सर्वेश वहाँ पे सो रहा है। ए यहाँ पे देख भोसड़ी। तो यहाँ पे अच्छा खासा देखो, यहाँ पे एक बंदा है, ये अननोन बंदा है, यहाँ पे सर्वेश है और यहाँ पे नीचे जो है प्रतीक है और यहाँ पे मैं हूँ। तो यहाँ पे यार देखो फैन भी है, यहाँ पे एसी भी है, तो यार अच्छा खासा। और ये जो ब्लैंकेट है ना बहुत अच्छा है, तो अच्छी खासी नींद यहाँ पे आज गिरेगी। अल्लाह अल्लाह, क्या बोला तू? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है दूसरा दिन और यहाँ पे बोथ टीममेट, सॉरी रूममेट जो है हमारे सो रहा है। टीममेट के तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए, चलते हैं यहाँ से। सर भी शाहजी प्रतीक भाई, गुड मॉर्निंग। अच्छे वाइब्स हैं यार, यहाँ पे बहुत अच्छे वाइब्स हैं। कहाँ पे गए? फाइनली अभी हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है, तो शुरू करते हैं अभी। तो यहाँ पे जो ये कॉम्प्लीमेंट्री मिला है तो उसमें ये क्रम्बल्ड एग्स हैं, उसके बाद इसको क्या बोलते हैं यार मुझे पता नहीं, ब्रेड और ये वाटरमेलन। और वाइप्स तो यहाँ पे यार एक नंबर है। और यहाँ पे टेबल टेनिस खेला जा रहा है और प्रति अल्लाह सर्वेश। अगर आप गोवा आ रहे हो तो यार मैं सजेस्ट करूँगा नॉर्थ गोवा। और यहाँ पे जो प्लेसेस वगैरह हैं अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो आपको जो है यहाँ पे एक स्कूटर या फिर कार रेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 5-6 लोग आ रहे हो तो कार मुझे लगता है सही ऑप्शन रहेगा। और 3 अगर आ रहे हो तो एक्चुअली एक लॉस है, मतलब आते हो तो इवन नंबर पे आना,
ये मैं आपको सजेशन दूंगा और बाकी ट्रेन का होटल का खर्चा वगैरह आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमें व्हीकल मिलेगा। तो यहाँ पे जो है हमने गाड़ी रेंट कर ली है, स्कूटर टू व्हीलर यहाँ पे और वहाँ पे दो किए हैं दो दिन के लिए। तो हमें गिरा अराउंड 700 मतलब पर डे 350 के हिसाब से, और अगर आप बाहर कहीं पे करवाओगे तो आपको जो है 400 पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो इन बंदों से हमने लिया है, तो अभी हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पे जो है अभी हम फ्यूल ब्रेक के लिए रुके हैं, पहले फ्यूल फिलअप करते हैं उसके बाद जो है हम चलेंगे। क्या है भाई? ओ डिनर क्रूज। और प्रतीक भाई कैसा लग रहा है गोवा बेबी? सो अभी हमारा प्लान बना है डेविल्स फिंगर जाने का। यहाँ पे एक बीच आपने सुना होगा बहुत फेमस है, तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। तो देखते हैं जो भी रहे। तो गोवा के स्ट्रीट्स पे अगर आप आते हो तो आपको कुछ ऐसे फ्लोरल वगैरह मिलेंगे जो कि मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है मेरा। तो आप देख सकते हो गोवा के मतलब वाइब से ये मैच करेंगे। आप देख सकते हो ये वाला सेम मैंने देखा था ट्रेंड्स में और मैंने लिया भी था, कल फोटो भी डाली मैंने इंस्टाग्राम पे। इसका कितना रेट है? 350। और मैंने इसको ट्रेंड्स में कितना दिया था भाई? अराउंड 999 समथिंग दिया था। और यहाँ पे देख सकते हो अच्छे अच्छे मुझे बहुत पसंद आए ये सभी कलेक्शन। और यहाँ पे मुझे एक्चुअली पसंद आया था ये वाला, ये और ये वाला, मगर ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली है। अराउंड इस सिर्फ शॉर्ट्स के लिए 900 लगेगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ ये वाले लिए जो कि वहाँ पे हैं। अभी चलिए यहाँ से चलते हैं। और बाकी आप देख सकते हो लेडीज़ भी है, अगर कभी आना हुआ तो। एड्रेस बता दो भाई। होटल कैसीनो ग्रैंड सेवन कैसीनो के सामने आपको मिल जाएगा। फाइनली अभी हम जो है डेविल्स फिंगर यहाँ पे आके पहुँच चुके हैं। हमारे मतलब जो रिसोर्ट था वहाँ से कितना दूर था भाई? 11 किलोमीटर्स दूर था। तो कैसे कैसे अराउंड 20-25 मिनट्स लगे हमें यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस और पोस्ट वगैरह देखे हैं इसके। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और उसके बाद हमारे दूसरे भी प्लान्स हैं, तो चलेंगे। चलो ब्रो चलो। यहाँ पे बहुत क्राउडेड है आज तो कम लगता है, वरना बहुत ज़्यादा होगा। पता नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे आए थे, तो यहाँ से अभी हम जाएंगे यहाँ पे ट्रिक करके। तो वहाँ पे ऊपर क्या है मैं पता नहीं। रेडी है ना भाई? रेडी है ना भाई? तू भी है क्या भाई? रेडी? हाँ नहीं हो। तो चलो हम चलते हैं यहाँ से। इसको मैंने बोला कि मेरे साथ आ जाना, तो ये यहाँ तक आया। थैंक यू ब्रो, बाय बाय। हमारे प्रतीक भाई ने क्या ही अच्छे से अच्छे वीडियोस लिए, मैंने बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, थैंक्स भाई। और अभी यहाँ से भी हम जाएंगे वहाँ पे, इस बंदे का फेवरेट प्लेस डेविल्स फिंगर। तो चलो, अरे ब्लॉग चल रहा है भाई, संस्कारी बनो। चलो चलो। जिन लोगों ने डेविल्स फिंगर नहीं देखा है तो ये देख लो, यही कुछ है डेविल्स फिंगर बोल के। अगर आते हो तो यहाँ पे पिक्स अच्छे आ जाएंगे, देख लो। यहीं पे है आपको रुकना है, मतलब यहीं पे रुकना है और वहाँ से पिक लेना है, उतना ही है डेविल्स फिंगर। और आपको इसके लिए अराउंड 1.5 या 2 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, हमने भी अच्छे पिक लिए हैं जो कि हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे। आप चाहिए तो चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।